हेलो भाई, मैं वंकी टाटा वालों से यू उम्मीद नहीं था भाई। इतना तगड़ा गाड़ी ये लोग लॉन्च कर दिए ना यार, इतने कम बजट में भाई साहब, मानना पड़ेगा। खैर, अभी टाटा वाले देखना और भी तहलका मचाएंगे। हालांकि इन्होंने जुलाई के महीने में तहलका तो मचाया है, लेकिन आने वाले टाइम में और भी तहलका मचाएंगे कर्म की वजह से। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो देखो तभी पता चलेगा भाई। आज वाली वीडियो में अपन जुलाई महीने की 14 उन कंपनियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी कार को बेचा है ऑल ओवर इंडिया में। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और वो कंपनी कितनी मॉडल को बेचती है ये भी जानेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो 14वें नंबर पे आई हमेशा की तरह जीप इंडिया। इन्होंने भाई 276 गाड़ियों को बेचा है जुलाई में, जबकि जून में यह आंकड़ा 281 यूनिट का था। मतलब 5 गाड़ियाँ इनकी कम बिकी है। इनके पास भाई सस्ता प्रोडक्ट है ही नहीं यार। मतलब जो देखो, मेरिडियन देखो या फिर कंपास देखो या फिर रैंगलर देखो, सब एक्सपेंसिव कार है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, इसीलिए इनकी कम बिक्री होती है। हालांकि इनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, 4 प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में। बाकी बात करें अगली कंपनी की, तो 13वें नंबर पे है सिट्रोइन। इन्होंने भाई 335 गाड़ियों को बेचा है जुलाई में बस, जबकि जून में 339 यूनिट बिकी थी। मतलब 4 गाड़ियाँ इनका भी कम बिका है भाई। इनके पास कौन सा दिक्कत है स्टॉक का या फिर गाड़ियों का? इनके पास तो सस्ती सस्ती प्रोडक्ट भी है, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ियों को कोई पूछता नहीं है। इनके पास टोटल 4 प्रोडक्ट है। बाकी 12वें नंबर पे निसान। इन लोगों के पास तो एक ही प्रोडक्ट है, मैग्नाइट के नाम से जो बिकता है, आप सभी अच्छे जानते हैं। वो भाई 2011 यूनिट बिका है, बाप रे बाप, जबकि जून में 2107 यूनिट बिका था। मतलब 96 गाड़ियाँ कम बिके पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। बाकी 11वें नंबर पे स्कॉड है। इन्होंने भाई 2103 गाड़ियों को बेचा है, वाह भाई वाह, जबकि जून में 2566 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 463 गाड़ियाँ कम बिकी है स्कॉडा की, 463 गाड़ियाँ। स्कॉडा के पास टोटल 4 प्रोडक्ट है भाई। बाकी 10वें नंबर पे रिनॉल्ट। इन्होंने भाई 2832 गाड़ियों को बेचा है जुलाई में, जून में आंकड़ा 3553 यूनिट का था। मतलब 721 गाड़ियाँ इनकी कम बिकी है। रिनॉल्ट का बहुत ही हाल खराब चल रहा है भाई इधर भी से। हालांकि ये लोग आज के डेट में डस्टर को लॉन्च कर देना भाई, तहलका मच जाएगा। इनके पास टोटल अभी तो 3 प्रोडक्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है तो 4 हो जाएंगे। बाकी 9वें नंबर पे फॉक्सवैगन। इन्होंने भाई 3407 गाड़ियों को बेचा है जुलाई में, जबकि जून में यह आंकड़ा 3260 यूनिट का था। मतलब 147 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है फॉक्सवैगन की। इनके पास टोटल 3 प्रोडक्ट है भाई। बाकी 8वें नंबर पे एमजी इंडिया। इन्होंने भाई 4572 गाड़ियों को बेचा है आपका जुलाई में, जबकि जून में 4644 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 72 गाड़ियाँ इनकी कम बिकी है। इनके सेल्स में कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। बाकी हाँ, इनके पास 6 मॉडल है। इसके अलावा 7वें नंबर पे होंडा। इन्होंने भाई 4624 गाड़ियों को बेचा है, जबकि जून में आंकड़ा 4804 यूनिट का था। मतलब 180 गाड़ियाँ कम बिकी होंडा की। इनके पास भी टोटल 4 प्रोडक्ट ही है भाई। हालांकि 4 मत बोलो, 3 ही बोलो, सिटी है, अमेज है और एक एलिवेट है। सिटी में ही 2 मॉडल आता है ना, एक हाइब्रिड आता है, एक नॉर्मल आता है, तो उसको एक ही मॉडल बोलेंगे। बाकी 6ठे नंबर पे किया इंडिया। इन्होंने भाई 20507 गाड़ियों को बेचा है, वाह, जबकि जून में 21300 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 793 गाड़ियाँ इन्होंने भी कम बेचा है। इनके पास टोटल 4 प्रोडक्ट है। बाकी 5वें नंबर पे टोयोटा। इन्होंने भाई 29533 गाड़ियों को बेचा है, जबकि जून में 25752 गाड़ियाँ इनकी बिकी थी। मतलब 3781 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है, वाह। इनके पास टोटल 12 प्रोडक्ट है। बाकी 4थे नंबर पे महिंद्रा। इन्होंने भाई 41623 गाड़ियों को बेचा है जुलाई में, जबकि जून में 40022 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 1601 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इनके पास टोटल 10 प्रोडक्ट है भाई। बाकी 3रे नंबर पे टाटा, जिनका स्टार्टिंग में मैंने जिक्र करा था। इन्होंने 44727 गाड़ियों को बेचा है, वाह भाई वाह, जबकि जून में 43527 यूनिट का यहाँ आंकड़ा था। मतलब 1200 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने टाटा मोटर की। अभी टाटा के पास टोटल 13 प्रोडक्ट हो चुका है कर्व को लेके। बाकी 2रे नंबर पे हुंडई। इन्होंने भाई 49013 गाड़ियों को बेचा है, बाप रे बाप, जबकि जून में 50103 यूनिट का आंकड़ा था। मतलब 1090 गाड़ियाँ कम बिकी है हुंडई की, 1090 गाड़ियाँ। इनके पास टोटल 13 प्रोडक्ट है भाई। बाकी नंबर 1 पे आइए मारुति सुजुकी। इन्होंने भाई 137463 गाड़ियों को बेचा है। मार्केट कैसा भी रहे भाई, ये लोग तो दबा के बेचते हैं, जबकि जून में आंकड़ा 137160 यूनिट का था। मतलब 303 गाड़ियाँ ज़्यादा बिकी है मारुति सुजुकी की। अभी इनके पास टोटल 17 प्रोडक्ट है भाई, 17। तो कहीं ना कहीं भाई प्रोडक्ट भी रहता है तो कस्टमर जाते हैं शोरूम में। अब किसी किसी कंपनी के पास 4 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, तो उनके पास शोरूम में क्या ही जाएंगे लोग भागे। तो यही कहानी है भाई 14 उन कंपनियों का जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी गाड़ियों को बेचा है जुलाई के महीने में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को।